यहाँ पर अब हम अकाउंटिंग की इक्वेशन या बैलेंस शीट के ऊपर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट मालूम कर रहे हैं। ये ट्रांजेक्शन का इफेक्ट बैलेंस शीट के ऊपर किस तरह लिया जाता है? एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है बिजनेस स्टार्टेड, ओपनिंग बैंक अकाउंट 5,000। मिसाल के तौर पे किसी मिस्टर ए ने 5,000 रुपीज़ से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवा लिया। जब बैंक के अंदर अकाउंट ओपन होगा तो हमारे पास कैश की फॉर्म में कैश इंक्रीज हो रहा होगा 5,000 रुपीज़ से, और चूंकि ये कैश बेसिकली बिजनेस के अंदर एक तरीके की इन्वेस्टमेंट भी है, इसलिए हमारे पास कैपिटल अकाउंट भी 5,000 रुपीज से इंक्रीज हो जाए। तो अगर हम इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट बैलेंस शीट के ऊपर देखें तो एक एसेट कैश की फॉर्म में इंक्रीज हो रहा होगा और बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड पे कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट भी 5,000 रुपीज से इंक्रीज हो रही है। इस तरीके से दोनों ट्रांजेक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। एक और ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं, सेकेंड ट्रांजेक्शन परचेज्ड अ बिल्डिंग बाय चेक ₹2,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन में मिस्टर ए ने 2,000 रुपीज से बिल्डिंग को परचेज कर लिया। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो उसने 5,000 रुपीज़ जो कैश बैंक में पड़ा हुआ था उसको यूटिलाइज किया, 2,000 की बिल्डिंग परचेज की। अब उनके पास कैश प्लस बिल्डिंग दो एसेट्स हो गए और कैपिटल उनके पास एज इट इज रहा। कैश उनके पास 3,000 रह गया और बिल्डिंग उसने 2,000 रुपीज़ की परचेज कर ली और कैपिटल एज इट इज 5,000 रहा। यानी अगर हम इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट देखें तो अभी भी हमारे पास ट्रांजेक्शन बिल्कुल बैलेंस शीट इक्वल है। 5,000 की इन्वेस्टमेंट हुई भी है, अब वो इन्वेस्टमेंट सेकंड ट्रांजेक्शन के अंदर ट्रांसफॉर्म होके 5,000 रुपीज़ मजीद ट्रांसफॉर्म हुए, प्रोसेस हुए। कैश 5,000 रुपीज़ के बजाय 3,000 रह गया और एसेट 2,000 रुपीज़ से कैश की फॉर्म में कन्वर्ट होकर बिल्डिंग की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर हमारे पास 2,000 रुपीज की वर्थ के अंदर बैलेंस शीट के अंदर अपेयर हो गया। सेकंड ट्रांजेक्शन का इफेक्ट ये पड़ा है कि एसेट साइड बेसिकली ट्रांसफॉर्म हुई है लेकिन ओवरऑल अपनी वर्थ 5,000 ही रखती है। बिल्कुल इसी तरीके से ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कैपिटल के ऊपर नहीं पड़ा, इन्वेस्टमेंट टोटल ओवरऑल वैसी की वैसी ही है। पहली ट्रांजेक्शन में जो इन्वेस्टमेंट थी वो प्योरली कैश की फॉर्म में थी और दूसरी ट्रांजेक्शन के बाद वो इन्वेस्टमेंट ट्रांसफॉर्म होके अपने जो उसके एसेट्स हैं बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्ट किए गए एसेट्स थे उन एसेट्स के अंदर बेसिकली एक इंक्रीज आ गया। कैश के साथ साथ अब बिल्डिंग भी इन्वेस्ट होकर बैलेंस शीट का एक पार्ट बन गई। थर्ड ट्रांजेक्शन में हम प्रपोज कर रहे हैं कि परचेज स्टॉक और इन्वेंट्री ₹500 ऑन क्रेडिट। मिस्टर ए ने उधार पर स्टॉक या इन्वेंट्री परचेज कर ली और उसकी वर्थ थी 500 रुपीज़। जब मिस्टर ए इन्वेंट्री को परचेज करेंगे तो उनके पास कैश पड़ा हुआ था, बिल्डिंग मौजूद थी और अब एक नया एसेट ऐड होने जा रहा है इन्वेंट्री के तौर। यहाँ पर उनके पास कैपिटल है, कैश उनके पास 5,000 रुपीज़, 3,000 रह गया था, बिल्डिंग उनके पास 2,000 की थी। अब उन्होंने फर्दर इन्वेंट्री परचेज की है 500 रुपीज की। चूंकि इन्वेंट्री क्रेडिट पे परचेज की गई है यानी उधार पे खरीदी गई है जिसकी वजह से लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी,
कैपिटल कितना था 5000 एज इट इज प्लस 500 रुपीज से लाइबिलिटी अब इंक्रीज हो रही है क्यों? उसकी रीजन ये है कि एसेट परचेज तो किया जा रहा है लेकिन उधार पे, जिसके वजह से लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो इस लाइबिलिटी के इंक्रीज का इफेक्ट इन्वेंट्री के ऊपर पड़ रहा है, यानी लाइबिलिटी उन्होंने मिस्टर ए ने 500 रुपीज जिससे भी उधार लिए हैं उससे उन्होंने बेसिकली ये इन्वेंट्री परचेज करी। तो हमारे पास अब एसेट तीन हो गए, कैश प्लस बिल्डिंग प्लस इन्वेंट्री, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी अब हमारे पास इंक्रीज हो गई, 5500 हो गई। अगर हम दोनों का टोटल करें तो यहाँ पर भी हमारे पास 5500 टोटल एसेट्स आ जाएंगे और हमारे पास टोटल इक्विटी भी 5500 ही आ जाएगी। लेकिन इस 5500 की इक्विटी के अंदर अब बाहर वाले शख्स का भी पैसा इन्वेस्ट हो गया, यानी लग गया, जिसका अमाउंट 500 रुपीज़ है। वो ट्रांजेक्शन हम यहाँ देख रहे हैं, सेल ऑफ बिल्डिंग हेलो इन्वेंट्री कर देते हैं हम इसको ऑन क्रेडिट। ₹200 हम ये फर्ज कर रहे हैं कि वो इन्वेंट्री जो वो परचेज करके लाए थे विद द इंटेंशन ऑफ सेल, इस 500 इन्वेंट्री में से उन्होंने ₹200 की गुड्स सेल कर दी। जब गुड्स सेल करेंगे तो कैश उनके पास, बिल्डिंग है उनके पास, इन्वेंट्री उनके पास रह जाएगी। क्योंकि उधार पे इन्वेंट्री सेल हो रही है, जब क्रेडिट पर सेल हो रही है इन्वेंट्री, उस क्रेडिट पर सेल होने की वजह से अकाउंट रिसीवेबल यानी डेटर जनरेट हो जाएगा। जिस शख्स को भी उधार पर इन्वेंट्री सेल की जा रही है उस शख्स से वो 200 रुपीज़ हमें लेने होंगे, तो 200 रुपीज़ हमारा एक और एसेट इंक्रीज हो जाएगा रिसीवेबल। क्योंकि हमारी सेल हो रही है इन्वेंट्री इसलिए हमारी इनकम भी बढ़ेगी। अब हमारे पास कैपिटल है प्लस लायबिलिटी है और प्लस इनकम है, कैपिटल हमारे पास 5000 है, लायबिलिटी हमारे पास 500 है और इनकम हमारे पास 200 रुपीज़ की है जो कि गुड्स को सेल करने से जनरेट हुई। इन्वेंट्री हमारे पास चूंकि 500 की थी, 200 की इन्वेंट्री हमने सेल कर दी, हमारे पास इन्वेंट्री रह गई 300। बिल्डिंग हमारे पास एज इट इज 2000 रुपीज़ की है और कैश हमारे पास 3000 का है। इस ट्रांजेक्शन के बाद हमारे एसेट्स साइड पर अगर आप देखें तो हमारे एसेट साइड अब फर्दर इंक्रीज से इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। पहली ट्रांजेक्शन में हमारे पास सिर्फ एसेट कैश की फॉर्म में था, दूसरी ट्रांजेक्शन में एसेट कैश से कन्वर्ट होकर बिल्डिंग में कन्वर्ट हुआ, तीसरी ट्रांजेक्शन में बिल्डिंग से एक और एसेट इंक्रीज हुआ इन्वेंट्री का, और चौथी ट्रांजेक्शन में एक और एसेट फर्दर इंक्रीज हुआ रिसीवेबल का। इसी तरह पहली ट्रांजेक्शन में हमारे पास सिर्फ कैपिटल मौजूद था, दूसरी ट्रांजेक्शन में भी कैपिटल था, तीसरी ट्रांजेक्शन में कैपिटल के साथ लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई और चौथी ट्रांजेक्शन में लाइबिलिटी के साथ इनकम का भी हमने अकाउंट जनरेट कर दिया। लेकिन हम इन तमाम ट्रांजेक्शन का इफेक्ट अगर हम देखें तो हमारे पास बैलेंस शीट बिल्कुल इक्वल रहेगी। जो हमारा एसेट साइड का टोटल है वो कैपिटल साइड के, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के हमेशा इक्वल रहेगा, और यही हमारी अकाउंटिंग की इक्वेशन का बुनियादी रूल है कि एसेट अपनी शक्ल तब्दील करते रहेंगे, अपनी फॉर्म रिफॉर्म होते रहेंगे, ट्रांसफॉर्म होते रहेंगे, अपनी शेप चेंज करेंगे, अपनी नेचर चेंज कर सकते हैं, अकाउंट के हेड चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो एसेट का टोटल है वो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के टोटल के बराबर रहेगा। अगर हम चारों ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट देखना चाहें अपनी बैलेंस शीट के ऊपर, तो पहली ट्रांजेक्शन में एसेट भी इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, दूसरी ट्रांजेक्शन में एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और दूसरा एक एसेट डिक्रीज हो रहा है और दूसरा एसेट इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं है। इसी वाली ट्रांजेक्शन में एसेट साइड पर भी इंक्रीज आ रहा है और लायबिलिटी साइड पर भी इंक्रीज आ रहा है, कैपिटल कांस्टेंट है, कैश और बिल्डिंग एसेट साइड के लिहाज से कांस्टेंट है। चौथी ट्रांजेक्शन में भी एसेट इंक्रीज हुआ रिसीवेबल की फॉर्म में
और इनकम इंक्रीज हुई है सेल की फॉर्म। तो हमारे पास ट्रांजेक्शन का इफेक्ट एसेट कैपिटल प्लस लाइबिलिटी प्लस इनकम, हमने तमाम हेड्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर अपना इफेक्ट यहाँ पर देख लिया। इस चार्ट के जरिए ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके बैलेंस शीट के ऊपर डालने का मकसद सिर्फ ये बताना मकसूद था कि हम ट्रांजेक्शन किसी भी किस्म की बात करें, उस ट्रांजेक्शन के अंदर फॉर एसेट साइड के ऊपर इफेक्ट आ रहा हो, एक्सपेंस साइड पे इफेक्ट आ रहा हो, इनकम साइड पे इफेक्ट आ रहा हो, कैपिटल या लायबिलिटी पे इफेक्ट आ रहा हो, किसी भी किस्म के हेड ऑफ अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व हो या ट्रांजेक्शन के अंदर कोई सा भी हेड ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व हो, तो हम अपने बेसिक रूल्स को फॉलो करेंगे कि हमारे रूल्स हमें क्या कहते हैं।